हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रभात क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम ले चलेंगे आपको आर्ट एंड कल्चर की एक नई दुनिया में, जहाँ पे अपन बात करेंगे भक्ति आंदोलन से जुड़े प्रमुख संत संप्रदायों की। हम बात करते हैं भारत में भक्ति आंदोलन की बात करें तो सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है दक्षिण भारत से। संत शंकराचार्य जी इनकी शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे ये आंदोलन बढ़ता हुआ उत्तरी भारत की ओर आता है और राजस्थान में भी इसकी बहुत सारी पीठें स्थापित हो जाती है। मोहब्बत एक एहसास व पावन की कहानी है, मोहब्बत एक एहसास व पावन की कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था तो कभी मीरा दीवानी है। यानी कि बात करें प्रमुख संत संप्रदाय, यानी कि राजस्थान में हम संत संप्रदाय रामस्नेही संत की बात, संत संप्रदाय की बात करें तो इसकी शुरुआत राजस्थान के अंदर बहुत सारी पीठें स्थापित होती है, बहुत सारे संत हुए थे और धीरे धीरे जहाँ पर ये बसने लगे वहाँ वहाँ उन्होंने एक अपने पीठ की स्थापना कर दी। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले संत रामचरण जी, यानी कि रामचरण जी ने सबसे पहले शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत एक प्रमुख पीठ स्थापित की थी रामस्नेही संप्रदाय की, और जिनके गुरु थे कृपा राम जी, ये आपको ध्यान रखना है। और संत दरियाव जी सेकंड चरण संत आते हैं जिन्होंने एक दूसरी पीठ स्थापित की थी रैण नागौर में, यानी कि अपन याद कर सकते हैं दरिया और रैण एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, यानी कि संत दरियाव जी ने अपनी एक पीठ स्थापित की रैण नागौर में और संत दरियाव जी के गुरु थे प्रेमनाथ जी, जिनको हम बालकनाथ के नाम से भी जानते हैं। थर्ड बात करते हैं हम संत हरिराम दास जी आते हैं, हरिराम दास जी ने भी इनकी एक पीठ स्थापना की थी रामस्नेही संप्रदाय की, जो थी सिंहतल बीकानेर में, यानी कि अब बात कर सकते हैं हरि सिंह, यानी कि हरिराम दास जी, हरि से हरिराम दास जी और सिंह से सिंहतल बीकानेर आता है, और इनके गुरु थे जयमल दास जी थे। और लास्ट चौथे संत आते हैं रामदास जी की बात करें तो ये आते हैं, इन्होंने खेड़ापा जोधपुर के अंतर्गत रामस्नेही संप्रदाय की एक पीठ की स्थापना की और इनके गुरु थे संत हरिराम दास जी थे। आजकल परीक्षा में क्या है कि इनको मैच करने से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, तो ये एक कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आजकल क्या मैचिंग के माध्यम से प्रश्न आता है, तो अपन याद रख सकते हैं रामचरण दास जी की जो प्रमुख पीठ थी यानी शाहपुरा भीलवाड़ा में थी, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। जैसे हम याद कर सकते हैं दरिया से रैण अपन मैच कर सकते हैं, हरिराम दास जी से हम सीतल बीकानेर कर सकते हैं और रामदास जी से हम खेड़ापा जोधपुर कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, एक और नई क्लास लेके आएंगे।